Hey guys, welcome to my channel Beauty Tips and Recipes. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तीन ऐसे फॉर्मूलास जिसे यूज करके आप अपनी आईब्रोज और आईलैशेस को थिक बना सकते हैं। यह 100% नेचुरल है क्योंकि यहाँ पर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट DIY मैं यूज करने वाली हूँ वो मैं बनाने वाली हूँ एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल से। यहाँ पर ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको जो एलोवेरा जेल पसंद है, जो एलोवेरा जेल आपको सूट करता है वही आप यूज कीजिए। यहाँ पर मैंने अर्बन बोटैनिक्स का लिया हुआ है, बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप वही यूज कीजिए। सेकेंड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये इवियन 400, ये दो रेंज में अवेलेबल होता है 400 एंड 800, और ये पूरी स्ट्रिप आपको 27 रुपीज में इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा कंटेनर लिया है और इसमें हम एक चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। अब इस एलोवेरा जेल में हम विटामिन ई कैप्सूल डालेंगे, तो इसे हमें पहले प्रिक करना होगा। इसे अच्छे से प्रिक करके हम इसका ऑयल एलोवेरा जेल में डाल देंगे। और बस इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, और मिक्स करते ही ये हमारा DIY बनकर तैयार है। तो ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है, ये ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो बस इस तरह से आप इसे ईयरबड की हेल्प से या फिर मस्कारा ब्रश की हेल्प से अपने आईलैशेस और आईब्रोज पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। बस डेली रात को आप इसे ट्राई कीजिए और 5 से 7 दिन तक इसे रेगुलर यूज कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे कंटेनर में स्टोर करके रखा हुआ है, इसी तरह आप भी कर ले। अब जो सेकेंड DIY है वो है ये एसेंशियल ऑयल्स। यहाँ पर आप इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैंने टी ट्री एसेंशियल ऑयल और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल लिया है। आप यहाँ पर बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स मार्केट में मिल जाते हैं, कोई भी ट्राई कर सकते हैं, सभी एसेंशियल ऑयल्स बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मेरे पास ये दोनों थे इसलिए मैं आपको ये दोनों सजेस्ट कर रही हूँ। बस इसी सिंपल तरीके से आपको इसे मस्कारा ब्रश पर लेना है और अपने आईब्रोज और आईलैशेस पर इसे अप्लाई कर लेना है। बस डेली रात को ये करना है 5 से 7 दिन के लिए। अब जो थर्ड DIY है वो है ये वैसलीन। इसमें आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है, ये बहुत ही अच्छे से आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर देगा। बस सिंगल इसे अप्लाई करना है मस्कारा ब्रश से या फिर आप इसे ईयरबड की हेल्प से अप्लाई कीजिए। बहुत ही इजीली अप्लाई भी हो जाता है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। बस इस तरह से इसे आपको टच करना है और ऐसे अपने हाथ पर जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपको अपने आईलैशेस और आईब्रोज पर अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप ये तीनों तरीके अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो ट्राई कीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।